चलता था जाने वे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसे लीडर्स की इंडस्ट्री है जिनमें कारवां बनाने की हिम्मत है, अर्थात जो नेटवर्क बड़ा बनाते हैं, जो नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए वो सारी चीजें दे सकती है जो उनकी ड्रीम बुक में होते हैं। अर्थात आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं नेटवर्क बड़ा कैसे बनाएं, एक महीने में 100 ज्वाइनिंग कैसे कराएं। आज हम इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से नए लोग आ रहे हैं, यदि आपने ज्वाइनिंग की स्पीड बढ़ा दी तो आप इस इंडस्ट्री के बड़े अचीवर बन सकते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं एक महीने में 100 ज्वाइनिंग कैसे कराएं। जब एक नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है और वो लोगों से जाके मिलता है, यदि उसके साथ कुछ लोग ज्वाइन हो जाएं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यदि लोग ज्वाइन करने से मना कर दें तो वही व्यक्ति निराश हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, यदि आपकी ज्वाइनिंग की स्पीड बहुत स्लो है, आप लगे हुए तो हैं लेकिन आपके लेवल नहीं अचीव हो पा रहे हैं, आपकी इनकम बड़ी नहीं बन रही है, तो कुछ समय के बाद ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं एक निराशा आ जाती है और कई बार एक अच्छा पोटेंशियल लीडर इस इंडस्ट्री से आउट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी टीम में ज्यादा लोग नहीं आ पाए, वो बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाया। और यदि हमने उसकी ज्वाइनिंग की स्पीड को बड़ा कर दिया तो कुछ समय के बाद देखते देखते वही डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का बड़ा अचीवर बन जाता है। तो इसलिए आज बातचीत करने वाले हैं कि ज्वाइनिंग की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, महीने में 100 ज्वाइनिंग कैसे कराई जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप कोई भी लक्ष्य लेते हैं, कोई भी टारगेट लेते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है गोल सेटिंग। 100 ज्वाइनिंग भी आपका एक गोल है। वैसे तो अलग अलग गोल आप इस इंडस्ट्री में रखते हैं, आज मैं उन पर बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं आपने गोल लिया, टारगेट लिया कि महीने में 100 ज्वाइनिंग कराने हैं। लेकिन गोल सेटिंग की जो प्रोसेस है उसके 4 पार्ट होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति उस गोल सेटिंग की सही प्रोसेस को नहीं सीख पाता, तब तक वो अपने लिए गए टारगेट को, अपने लिखे गए लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस लक्ष्य को, इस गोल सेटिंग की प्रोसेस को अचीव करने में जिन 4 स्टेप्स की जरूरत होती है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट डाउन योर टारगेट, राइट डाउन योर गोल। अपना एग्जैक्ट क्लियर कट गोल लिखिए कि आपको क्या करना है या क्या चाहिए। जैसे 100 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग इज योर टारगेट, इज योर गोल, पहला पॉइंट। दूसरा है उस टारगेट को अचीव करने में मेरे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, अवेलेबल रिसोर्सिस फॉर कंप्लीटिंग दिस टारगेट। आपने इस 100 ज्वाइनिंग के टारगेट को पूरा करना है तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं। तीसरा है इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आपका एक्शन प्लान क्या है। तो थर्ड स्टेप इज योर एक्शन प्लान। और चौथा है इस एक्शन प्लान पे काम करते हुए डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी क्या है। यदि आप इन 4 एक्टिविटीज को, 4 स्टेप्स को सही तरीके से कर पाए तो मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं आप अपने लक्ष्य को अचीव भी कर सकते हैं और अपनी टीम में भी गोल सेटिंग की प्रोसेस को डुप्लीकेट करा के अपनी टीम के लीडर्स को भी उनके टारगेट को अचीव करने में उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लक्ष्य की, 100 ज्वाइनिंग। तो पहला पॉइंट हुआ क्या चाहिए, क्या लक्ष्य है, वो हो गया 100 ज्वाइनिंग। दूसरा है अवेलेबल रिसोर्सिस, इसके लिए आपके पास संसाधन क्या क्या है। तो सबसे पहला संसाधन है आपकी लिस्ट। जब तक आपके पास लिस्ट ही नहीं होगी तो आप 100 ज्वाइनिंग कराएंगे कैसे। लिस्ट का होना, लिस्ट का बड़ा होना, लिस्ट का रेगुलर अपडेट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि मेरे पास 500, 700, 800, 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बने।
इसके लिए मैं आपको दो वीडियो रिकमेंड कर सकता हूं। एक तो अभी जो रिसेंट वीडियो आया है, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन नेटवर्क मार्केटिंग। उसका पहला पॉइंट जो मैंने लिया था वो था प्रोस्पेक्टिंग। तो आपके सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट से भी आप बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। एक और वीडियो जो इसी यूट्यूब चैनल पर है, ज्वाइन, यदि लिस्ट बनाना सीख जाते हैं, आपके पास एक बड़ी सारी लिस्ट हो तो आप 100 ज्वाइनिंग के टारगेट को अचीव करने में ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज उपलब्ध हो सकता है। अब प्रश्न है, ये लिस्ट तो आपकी है, अब इस लिस्ट के लोगों से जब आप मिलते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला जाते यस करेगा, वो नो भी तो कर सकता है। अब आपको सीखना है उस नो को यस में कैसे कन्वर्ट करें, उस व्यक्ति को मिलने से पहले उससे प्रॉपर अपॉइंटमेंट कैसे लें। और इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि आप बिल्कुल सीरियस हैं 100 ज्वाइनिंग कराने के लिए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर बनाया है जिसका टाइटल है प्लान की शुरुआत ऐसे की तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। इसमें बिल्कुल बताया गया है सामने वाले से अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, मिलने के बाद किन बातों को उसके साथ स्टार्ट करना है, माहौल को कैसे इजी बनाना है और कैसे उसको ज्वाइनिंग के लिए तैयार करना है। तो इसलिए दूसरा है उसके साथ आपकी बातचीत की प्रोसेस जो आपकी ज्वाइनिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। इसलिए यदि आपने एक बड़ी सारी लिस्ट बना ली तो उसी में से आपकी 100 ज्वाइनिंग का टारगेट पूरा होने वाला है। अब जो तीसरा स्टेप है वो है एक्शन प्लान, इस लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना, ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करना। उसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहला, यदि आप चाहते हैं आपका यस प्लान बने, आपके साथ लोग ज्वाइन करें, तो एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि सबसे कारगर और इफेक्टिव एक्टिविटी बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में या नए लोगों को ज्वाइन करने में कोई एक्टिविटी है तो उसका नाम है थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। बहुत सारे लीडर्स बड़े लेवल पर जाने के बाद भी थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस को जानते नहीं हैं, जबकि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यदि कोई बिजनेस बढ़ाने की एक्टिविटी है तो वह थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। तो इस ज्वाइनिंग की प्रोसेस में यदि आपने थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना आ गया तो आपकी ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिस्ट बनाई, आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपके एक दोस्त है मिस्टर ए, आप मिस्टर ए के पास जाते हैं तो ये फर्स्ट पार्टी है, हो सकता है वो ऑब्लिगेशन में आपके साथ ज्वाइन कर ले, हो सकता है आपकी दोस्ती के चक्कर में वो आपको ज्वाइन कर ले, लेकिन वो शायद बिजनेस में काम नहीं करेगा, बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने बिजनेस को समझ के या लीडर को देख के ज्वाइन नहीं किया, उसने तो दोस्ती के चक्कर में ज्वाइन किया। और हम कई बार उसी दोस्त के पीछे रुक जाते हैं, ये आगे काम ही नहीं कर रहा, जबकि काम क्या होगा, थर्ड पार्टी पे जाके। तो ये था फर्स्ट पार्टी। अब यदि आप उस दोस्त ए की लिस्ट बनवाते हैं और उसकी लिस्ट में उसका एक दोस्त है बी, आप उस दोस्त के साथ बी से मिलते हैं, तो जब वो दोस्त आपको बी से मिलाएगा तो आपका परिचय कैसे देगा, ये मेरे दोस्त हैं। अर्थात यहां पर आप सेकंड पार्टी पे काम कर रहे हैं, तो सेकंड पार्टी पे भी रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी वो इसलिए ज्वाइन कर लेगा क्योंकि आप उसके दोस्त के दोस्त हैं। अभी भी वो आपकी प्रमोशन, आपकी एडिफिकेशन एक लीडर की तरह करने वाला नहीं है, वो एक दोस्त के दोस्त की प्रमोशन कर रहा है। लेकिन इसके आगे की प्रोसेस क्या है, यदि आप उस दोस्त बी की लिस्ट बनवा करके उसके दोस्त सी से मिलते हैं, दैट इज थर्ड पार्टी। दोबारा सुनिए इसको, ए वाज फर्स्ट पार्टी, बी वाज सेकंड पार्टी एंड सी इज थर्ड पार्टी। असली बिजनेस यहां चलने वाला है क्योंकि सी आपको जानता नहीं है, वो जब भी आपकी प्रमोशन करेगा, किसी से मिलवाएगा, तो आपकी प्रमोशन एज ए लीडर करेगा। मैं एक ऐसे लीडर को जानता हूं जो बहुत एक्साइटेड है, जिसके पास बहुत बड़ा लेवल है, जो इस बिजनेस के एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। कहने का मतलब क्या है, जब तक थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पे नहीं जाओगे तब तक आपकी प्रमोशन एडिफिकेशन नहीं होगी, और यह बिजनेस तो प्रमोशन और एडिफिकेशन चलता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस बढ़े तो आपको थर्ड पार्टी तक जाना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, या तो वो फर्स्ट पार्टी तक रहते हैं या कई बार सेकंड पार्टी तक जाके ही बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, जबकि बिजनेस कहां से चलता है, थर्ड पार्टी से। इसलिए पहला स्टेप है ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाने का कि आप थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना सीखें। दूसरा पॉइंट है ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाने का, अपनी टीम में
प्लान सोवर तैयार करना। जैसे आप प्लान कर रहे हैं ऐसे ही अपनी टीमें 1, 2, 4, 5 यदि आप प्लान सोवर करोगे तो वो भी आपकी तरह इस बिजनेस में लिस्ट बना के काम करेंगे, लोगों से प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, सही ढंग से प्लान दिखाएंगे और उनके साथ भी थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ज्वाइनिंग को फास्ट कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है ग्रुप मीटिंग। आप अकेले मत भागिए, कोशिश कीजिए कोई ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग आप अरेंज कर पाए जहां पर एक साथ आप कई लोगों से मिल सकें, उनके सारे डाउट्स एक लेवल पर एक प्लेटफॉर्म पर क्लियर हो गए तो वहां से आपको कई ज्वाइनिंग मिल सकती हैं। तो इसलिए ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग भी ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाने का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और चौथा पॉइंट है ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को ज्वाइनिंग कराना, वो है जूम मीटिंग या वेबिनार या सेमिनार। जो बड़े बड़े इवेंट आपके अपलाइन के द्वारा, आपके सिस्टम के द्वारा, आपकी कंपनी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, यदि उनमें आप अपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके बैठा पाए तो एक एक जूम मीटिंग से, एक एक लाइव सेशन से, एक एक डिजिटल वेबिनार से आपकी कई कई ज्वाइनिंग होनी शुरू हो सकती है। अर्थात इन चारों प्रोसेस का इस्तेमाल करके आपकी ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ सकती है। आपने 100 ज्वाइनिंग का पर मंथ का टारगेट लिया, 30 दिनों से डिवाइड करें तो पर डे की 3 ज्वाइनिंग आती हैं, 3 या 4। और यदि आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो कर लो तो इससे भी ज्यादा ज्वाइनिंग आपकी निकल सकती हैं। अर्थात आपका 100 ज्वाइनिंग पर मंथ का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है यदि आप एक्शन प्लान पे काम करना शुरू कर दें तो। और गोल सेटिंग का चौथा लास्ट पॉइंट है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। रोज क्या हो रहा है, जब तक आप फॉलोअप नहीं करोगे, संभालोगे नहीं, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा मेरी कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितना टारगेट पेंडिंग है और कितना मुझे आगे करना है। और इस डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कोई जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आपकी इच्छा के अनुसार आएंगे, आपको उन चीजों को भी कलेक्ट करना है, क्या क्या अच्छे पॉइंट रहे, क्या क्या कमजोर पॉइंट रहे। यदि किसी के रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं और किसी के रिजल्ट आ पा रहे हैं तो जिस व्यक्ति के रिजल्ट आ पा रहे हैं उसको उसके साथ एडजस्ट करके, उसकी अच्छी स्ट्रेंथ को उसके साथ शेयर करके, उसकी खूबियों को उस कमजोर लीडर के साथ या जिससे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं उसके साथ अटैच करके अपनी डेली रिपोर्ट को आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए इस डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को यदि आपने सही ढंग से मॉनिटर कर लिया तो आपका ज्वाइनिंग का टारगेट 100% पूरा होगा ही होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस इंडस्ट्री का हर व्यक्ति यदि सही ढंग से काम करे, अपनी लिस्ट को बड़ा करे और इस प्रोसेस को इस्तेमाल करे, वो अपनी ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ा करके, अपने नेटवर्क को बढ़ा करके, अपने लेवल को बढ़ा करके इस इंडस्ट्री का एक बड़ा अचीवर बन सकता है, बशर्ते वो अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाता रहे। और लगातार नेटवर्क बढ़ाने का एक ही तरीका है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। और नंबर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए यह वीडियो आपके बहुत काम का होगा यदि आपने इसको सही ढंग से सुना, इसको इस्तेमाल किया और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम के लीडर्स भी अपनी ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ा करके, अपने नेटवर्क को बढ़ा करके एक बड़े लेवल के रूप में, एक बड़े बिजनेस के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।